बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप और खैरियत से होंगे। मैं आज मैंने साग बनाया, साग में साग की तो मैंने आपको रेसिपी दी हुई है, लेकिन मैंने आज फिर साग बनाया साथ मेरे चावलों की रोटी। और आप पूरे बना लें, रोटी बना लें, जो भी है आपकी मर्जी है, लेकिन मैं गाँव से ये चावलों का आटा बनाया, इसके साथ मैं रोटी बनाई। ये देखो मैं आटा गूंद रही हूँ। मैं देसी घी इसमें डालेंगे और बहुत अच्छी रोटी बन जाएगी। जूसी जूसी नहीं होती, जो सूखी सूखी होती है ना, वो नहीं बनेगी। बहुत ही इसको ऐसे मलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखो मैंने थोड़ा सा लहसुन डाला, थोड़ी सी अदरक डाल दी। ये क्या मैं कल का बना रही हूँ आपको, मैं याद कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखो मैं और रोटी शुरू करने लगी। ये देखो हमारा साग भी तैयार हो गया। ये ऊपर से हम थोड़ी सी धनिया और हरी मिर्ची की गार्निश करेंगे। वाह वाह वाह। देखो हमारा साग बिल्कुल तैयार। मैंने रहीम के देखो हमारा देसी घी ऊपर डालने लगे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही मज़ेदार हमारी रेसिपी बन गई। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर। थोड़ा तोड़ के दिखाते हैं आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मकई जैसी रोटी है और ये थोड़ी सी मुख्तलिफ है। आपको इसको जायका आपको चेंज लगेगा, और काफ़ी लोगों को इसका नहीं भी पता होता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी। अगली अच्छी नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेगा। अल्लाह हाफिज़।